महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शासन वडोदरा राज्य के लिए और देश के लिए एक मिसाल बन के रहा है। उनके कुशल शासन का प्रचार और उसकी माहिती आज के युवाओं तक पहुँचे, इसी हेतु से ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के सयाजी प्रतिष्ठान इस संस्था के द्वारा इस सीरीज़ का जो उद्घाटन होने वाला है उससे मुझे बहुत खुशी है। और इस हेतु से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये प्रचार हो और उनकी माहिती लोगों तक पहुँचे। आज के डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है और पॉपुलैरिटी है और लोकप्रिय भी ज़्यादा है, उस माध्यम से हम लोगों को तक पहुंचने का प्रयत्न करने वाले हैं, यह जान के मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रयत्न है सयाजी प्रतिष्ठान का, वो लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा और लोकप्रिय भी बनेगा। सयाजीराव महाराज जैसे हमारे देश में बहुत कम रूलर्स हुए थे, उनके ऊपर बहुत सारा लिखा गया है, लेकिन काफ़ी बातें उनके ऊपर और काफ़ी उनके रूल के ऊपर अभी भी लोगों को मालूम नहीं है, ख़ास करके जो यंग जनरेशन है। प्रोफेसर बंसीधर शर्मा ने उनके किताब में बहुत ही डिटेल में महाराजा साहब के ऊपर लिखा हुआ है, और उसी किताब को लेके अब सयाजी प्रतिष्ठान की ओर से एक 6-6 मिनट का एक छोटे शॉर्ट स्टोरीज के प्रयोग में एक जितने भी एपिसोड्स हुए हैं महाराजा सयाजीराव के लाइफ के और उनके डिसीजन के ऊपर, उसके थ्रू ज़्यादा मैसेज के और ले जाने का ये प्रयोग है। ये बहुत ही आज के दिनों में जहाँ सोशल मीडिया एक हर किसी के पास पहुँच गया है, तो ये पूरी कहानी उनके ऊपर एक छोटे छोटे एपिसोड से सभी के पास ये कहानी सयाजीराव महाराज के जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के लिए, ये छोटी छोटी कहानियों के दौरान ये पहुँचाया जाएगा। ख़ास मैं आपको विनती करूँगा कि ज़रूर आप समय वक्त निकालिए और ये एक महान आदमी के ऊपर और इन्होंने जितना काम लोगों के लिए किया है वो शायद बहुत कम लोगों ने किया हो, तो आप ज़रूर वक्त निकाल के इसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद। महाराजा सयाजीराव तृतीय की 159वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महाराजा सयाजीराव तृतीय एक दिव्य दृष्टा व्यक्ति थे, उनको व्यक्तियों की परख थी, व्यक्तियों का चयन कैसे करना है वो उनको अच्छी तरह से मालूम था। इसी श्रृंखला में उन्होंने योगी अरविंदो का चयन बड़ौदा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के रूप में किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जो उनके संपर्क में आए उन्हें भी विदेश में जाकर के पढ़ाई का काम करना था, तो उस विदेश में पढ़ाई करने के लिए वे उन्होंने अपने कोष में से शिष्यवृत्ति बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया। इसके अलावा उन्होंने केवल गुजरात में ही नहीं, गुजरात के बाहर भी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है, उसमें भी उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना किया। पूरा जो उनका लाइब्रेरी का खर्च था स्थापना के लिए, वो पूरा खर्च महाराजा सयाजी राव जी ने दिया। महाराजा सयाजी राव तृतीय का जो पूरा जीवन था वो एक विद्यार्थी के रूप में बीता और उनका देहावसान 1939 में हुआ। इसके बाद उनके जीवन पर जो भी उनकी स्मृतियां हैं उनको जीवंत रखने के लिए 2007 में सयाजी राव प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके समक्ष हम उनके प्रयासों को रख सकें, उनकी जो स्मृतियां हैं वो लोक स्मृतियां बने। इसलिए इसी हेतु के साथ सयाजी राव प्रतिष्ठान आज भी कार्यरत है और आगे आने वाले समय में भी जो भी स्मृतियां हैं उनको लोक स्मृतियों के रूप में रखने का काम करेगा। इसी बात के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से उनके जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।
महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के व्यक्तित्व के बहुत से पहलू हैं, जैसे समाज सुधारक तो वे थे ही, इसके अतिरिक्त भी वे एक बहुत बड़े राजनेता थे, बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे, व्यक्तियों की परख उनके भीतर बहुत अच्छी थी, प्रशासन में कुशल व्यक्ति थे, और सबसे बड़ी बात ये कि वो एक देशभक्त थे। महाराजा सयाजीराव 12 साल की उम्र में वडोदरा शहर में लाए गए थे। 6 साल तक उनका प्रशिक्षण हुआ और 18 साल की उम्र में उन्हें राजा घोषित किया गया। हम कहते हैं कि राजा हमेशा पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पाया कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा बनाया गया। उनकी जीवनचर्या क्या थी, उन्होंने क्या कार्य किए, ये सारी चीज़ों को संजोड़ते हुए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया जिसका नाम है सयाजी प्रतिष्ठान। महाराजा सयाजी राव ने हमेशा शिक्षण पर ज़्यादा जोर रखा, युवाओं को हमेशा शिक्षण के प्रति नज़दीक लाया गया। इससे ना ही सिर्फ युवा लेकिन पूरा समाज उभर के आए, ये उनकी सोच रही थी। इसी सोच को लेके सयाजी प्रतिष्ठान एक नई कोशिश कर रहा है, लोक स्मृति में सयाजी राव, इस पर एक डिजिटल एपिसोड तैयार करके नई जनरेशन को अवगत कराने की कोशिश। हम सबकी तरफ से इस कोशिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस इनिशिएटिव को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके समक्ष पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। ये तैयार किए गए छोटे छोटे 6 से 8 मिनट के जो वीडियोस होंगे, यह वीडियोस हर शनिवार रात को 9 बजे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इसके अलावा जो विभिन्न पॉडकास्ट के माध्यम हैं, ऐसे सभी माध्यमों पे एक साथ 18 माध्यम पे रिलीज़ किया जाएगा। आप सब से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप सब अलग अलग माध्यमों के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जीवन की विभिन्न घटनाओं को, उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को सुन के उनकी महानता को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। यह सच्चे अर्थ में उनके लिए स्मरणांजलि होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हर शनिवार रात 9 बजे विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से आप सबके साथ निरंतर मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।